नमस्ते बेटिया, मैं सर डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ देहरादून, फैकल्टी ऑफ एथलेटिक साइंसेज, जयवती विद्यापीठ वुमेन्स जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं आरंभ के। ठीक है, आरंभ अपन जब भी प्रैक्टिकल क्लास होती है या प्रैक्टिकल क्लासेस हुई हैं तब मैंने आपको एक फंड दिखाया है, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया। तो आज हम उसको थ्योरेटिकली और क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि आपकी थ्योरी का जब भी आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका जो बॉटनिकल नाम है वो है केसिया फिस्टुला, और फैमिली फेबेसी या शिम्बिकुल है, ठीक है। तो आपको उसका नाम और फैमिली दोनों याद होनी चाहिए, केसिया फिस्टुला एंड फेबेसी। क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखें इसका, तो चरक ने इसको कुष्ठग्र महापिशाच, खंडोग्र महापिशाच, विरेचन और तिक्त स्कंद के अंतर्गत रखा है, ठीक है। चरक ने कहाँ रखा है इसको याद रखना है आपको, कुष्ठग्र महापिशाच, खंडोग्र महापिशाच, विरेचन महापिशाच और तिक्त स्कंद के अंदर इसको रखा है। सुश्रुत है इसको आरंभ आदि गण के अंदर, शाम आदि गण के अंदर और अधोभाग हर जो द्रव्य बताए उनके अंदर रखा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज, ये चरक ने कुष्ठग्र महापिशाच, खंडोग्र महापिशाच, विरेचन और तिक्त स्कंद के अंदर इसको रखा है, और सुश्रुत ने आरंभवादादि, शामादि और अधोभागहर, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्लासिकल कैटेगराइजेशन अपन ने किया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं भाव प्रकाश का रेफरेंस, देखते हैं अपन यहाँ पे। आरग्वधु राजवृक्ष शंपाकर चतुरुंगुल है, आरवेतु व्याधिघात कृतमाल सुवर्ण है, कर्णिकाकारो दीर्घ फल स्वर्णांग स्वर्ण भूषण है, आरग्वधु गुरु स्वातु शीतल है, संशरणो उत्तम है, ज्वर हृद्रोग पित्त अस्र वात उदावर्त शूल, ठीक है। तत्फलम संसरणम रुच्यम कुष्ठ पित्त कफापः, ज्वरे तु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम, ठीक है। तो भाव प्रकाश का ये रेफरेंस या मेंशन है, एक बार देखें इसको। तो आरंभवत को इन्होंने राजवृक्ष की, शंपा की, चतुरुंगुल की, आरवेद की, व्याधिघात की, कृतमाल की और सुवर्ण कर्णिकाकार दीर्घ फल स्वर्णांग स्वर्ण भूषण, इन सबकी उपमा दी है। दीज आर ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ आरंभवत। और इसके बाद इसके गुणों को बताते हुए कहा कि आरंभवत गुरु स्वादु शीतल संचरण होता है। आरंभवत के जो गुण है उसमें गुरु इसको बताया है, रसों में इसका स्वादु बताया है और वीर इसका शीतल बताया है, ठीक है, और प्रभाव इसका संचरण बताया, संचरण उत्तम है। और जो ज्वर हृदरोग पित्त अस्त्र मतलब रक्त वात उदावर्त शूल जो इन सबके अंदर इसको उपयोगी बताया है। तत्फलम संसरणम रुच्यम कुष्ठ पित्त कफापः, और जो इसका फल है वो संसरण करने वाला है, रुचि उत्पन्न करने वाला है, कुष्ठ में पित्त और कफ कफज रोगों इनके अंदर ये दिया जा सकता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसमें ये बताया है कि ज्वरे तु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धि करम पथम, ठीक है। ज्वर के अंदर इसे सतत यानी कंटिन्यू पथ्य बताया गया है, आप इसको रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं और कोष्ठ शुद्धि करम करम, ठीक है। और कोष्ठ शुद्धि करने वालों के अंदर इसे श्रेष्ठ बताया हुआ है कि जो ज्वर है उसके अंदर अगर आपको कोष्ठ की शुद्धि करानी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और रेगुलर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका मोनोग्राफ अपन कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ पर्याय सबसे पहले दिए हुए हैं, आरग्वद, राजवृक्ष, चंपाक, चतुरंगुल, आरवेत एंड दीर्घफल, व्याधिघात, कृतमाल एंड स्वर्णक एंड स्वर्णांग स्वर्णभूषण, आरोग्य सिंबी और ज्वरनाशक, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं जो आपको याद करने हैं। इसके बाद हैबिटेट, उत्पत्ति स्थान इसका अप टू 4,000 फिट एंड हिली एरिया थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। हैबिटेट उत्पत्ति स्थान आपको देखना है कि ये लगभग सर्वत्र पाया जाता है 4,000 फिट की ऊंचाई तक, ठीक है। और हैबिट देखिए इसका तो मीडियम साइज ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता, तो मीडियम साइज ट्री है इसका। लीव्स है इसकी 8 to 16 inch लॉन्ग, ठीक है, कंपाउंड लीफ है तो 8 to 16 inch लॉन्ग है ये, एंड 8 pairs है लीफलेट्स के, कोरेसियस है, शाइनिंग अबाउट है, तो ऊपर से ये थोड़ी चमकीली होती है। फ्लावर्स हैं इसके ब्राइट येलो लॉन्ग एक्सिलरी पेडिकुलस रेसिमोस 1 to 2 feet लॉन्ग होते हैं इसका, ठीक है। पॉड देखें इसकी, फली जो है सिलेंड्रिकल है, 2 फीट तक लंबी हो सकती है एंड अबाउट 1 inch डायमीटर, और गोलाई उसकी लगभग मोटाई या गोलाई आप कह सकते हैं 1 inch डायमीटर वाली होती है। ट्रांसवर्सली डिवाइडेड इनटू न्यूमरस वन सीड सेल्स, ठीक है, ट्रांसवर्सली न्यूमरस सेल्स होती है, एक एक सीड इसके अंदर मिलता है।
सीड्स दैट एम्बेडेड इनटू सॉफ्ट ब्लैक स्वीटिश पल्प, ठीक है, जो सीड है उसके चारों तरफ पल्प होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, स्वीट और थोड़ा सा मधुर रस में होता है। प्रॉपर्टी हम देखें ऐसी, तो रस इसका मधुर है, गुण इसके गुरु मृदु और स्निग्ध रहेंगे, गुण इसका गुरु मधु और स्निग्ध रहेगा, वीर इसका शीत है एंड विपाक है वो मधुर रहेगा इसका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रस कैसा है इसका, मधुर है, एंड गुण इसके गुरु मृदु और स्निग्ध है, वीर इसका शीत है, विपाक इसका मधुर है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखें इसके, तो मृदु रेचन, ठीक है, मृदु रेचन, ठीक है, जैसे अग्रे में भी हमने देखा है इसका, ठीक है, चतुरंगुलो मृदु रेचना नाम, ठीक है। तो जो सॉफ्ट लग्जेटिव के रूप में आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं, और ज्वर के अंदर भी इसे कोष्ठ शुद्धिकरण परम, कोष्ठ शुद्धिकरण परम कहा है, ज्वर तो सततम पथ्य कोष्ठ शुद्धिकरण परम, ठीक है, इसलिए ये ज्वरक भी है, ठीक है, और ज्वर के अंदर कोष्ठ शुद्धि करने वालों में भी श्रेष्ठ है, और हृदय भी कहा गया है इसको, रक्त पित्त शामक है ये, कुष्ठग्न प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है, अनुलोमन ये है क्योंकि विरेचन करवा रहा है, और शोथर प्रॉपर्टी भी है, और दाह प्रशमन भी है, दाह प्रशमन है ये, ठीक है। वीर्य शीत है तो दाह प्रशमन भी, थेरापेटिक यूजेस देखें इसका, इट इज मृदु विरेचक, सो इट कैन बी यूज इन चिल्ड्रन, एज्ड पर्सन एंड प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, इन ज्वर एंड मधुमेह इट कैन बी यूज एज लग्जेटिव, ठीक है, ज्वर में भी और मधुमेह में भी इसको आप लग्जेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। इन हरिद्रा में डिकॉक्शन ऑफ आरगवदारी इज गिवन एंड इन स्किन डिजीज द लीव्स ऑफ आरगवद काकमाची एंड करंज इन बटर मिल्क एंड स्मियर्ड ऑफ द पार्ट, ठीक है, हरिद्रा में, ठीक है, जिसमें मूत्र कैसा हो जाता है, हरिद्र वर्ण का या पीले कलर का हो जाता है, तो आरगवदादी इज गिवन, ठीक, तो आप उसमें आरगवदादी दे सकते हैं, और स्किन डिजीज में कुष्ठग्न और कंडुग्न दोनों इसके अंदर होता है। द लीव्स ऑफ आरगवद काकमाची एंड करंज एंड स्मियर्ड ऑफ द पार्ट, ठीक है, उस पार्ट पे आप लगा सकते हैं इसको। फिर डोज देखें इसका, तो फल मज्जा है सबसे, तो 5 से 10 ग्राम तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मृदुरेचन है, तीक्ष्ण नहीं है, तो इसकी डोज आप अच्छी मात्रा में यूज कर सकते हैं, फल मज्जा 5 से 10 ग्राम तक की यूज कर सकते हैं, और अगर आप पर्गेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो 10 से 20 ग्राम तक की मात्रा प्रयोग करनी पड़ेगी। मूल तो का प्रयोग करना चाहते हैं तो 50 से 100 ml तक, और ठीक है, और पुष्प ही आप इसका यूज करेंगे तो 5 से 10 ग्राम तक, है ना। लीव्स हैं उसकी एक्सटर्नली यूज करनी है आपको, ठीक है, तो लीव्स इसके एक्सटर्नली यूज कर लें, और इसके बाद हम फॉर्मुलेशन देखें इसके, तो अर्गवदादी तेल, अर्गवदादी ले एंड अर्गवदा रिस्ट, ठीक है, तो अगर आप इसको प्रेस्क्राइब करते हैं और उसके फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल है, उन फॉर्मुलेशंस को आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं, अगर आप उसको अर्गवद एज ए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं तो अर्गवदादी तेल आप लिख सकते हैं, अर्गवदादी ले भी इजिली अवेलेबल होता है, और अर्गवदा रिस्ट, ठीक है, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड प्लांट देखते हैं अतिबला, ठीक है, तो अतिबला जो है उसका बॉटनिकल नेम है एबुटेरियम इंडिकम, ठीक है, एबुटेलॉन इंडिकम, फैमिली इसकी मालवेसी फैमिली है, अतिबला एबुटेलॉन इंडिकम एंड फैमिली फैमिली इज मालवेसी, कारपासकुल जिसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी फैमिली और इसका बॉटनिकल नेम दोनों ही आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखते हैं हम इसका, तो चरक उसको बल्ले और भ्रंगण, चरक इसको बल्ले महाकाशय और प्रांगण महाकाशय में रखते हैं। सिनोनिम्स हिंदी इसकी कंगुनी और कंगणतिका, ठीक है, कंघी और काकन कंकतिका, ठीक है, इसका हिंदी नेम है आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंडियन मेलो एंड अतिबला इंक्रीज बला, ठीक है, इंग्लिश में इसको इंडियन मेलो बोलते हैं और अतिबला इंक्रीज बल, ये बल बढ़ाने वाली है इसलिए इसे अतिबला कहा जाता है। एंड ऋष्य प्रोक्ता ग्रोज वाइडली, ठीक है, इसलिए इसे ऋष्य प्रोक्ता कहा जाता है कि ये वाइडली ही यूज हो जाती है, इसका कल्टिवेशन नहीं करते हैं कम या कम करते हैं, वाइडली ही ये ग्रो होती है। काकंतिका फ्रूट्स लाइक कॉम, जो पुरानी कंघियाँ आती थी कुछ कुछ इसकी जो फ्रूट्स होते हैं वो वैसे ही दिखाई देते हैं, काकंतिका फ्रूट्स लाइक कॉम्ब एंड वाट्य पुष्पी, ठीक है, वाट्य पुष्पी भी से कहा जाता है।
हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हॉटर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हैबिटेट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हॉटर पार्ट ऑफ इंडिया। हैबिट पेरिनियल हर्ब अप टू 1.5 टॉल, स्टेलेट प्यूबेसेंट लीव्स अप टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉर्डेट एक्यूमिनेट 7 to 9 नोड, समटाइम्स लीलॉब सेरेट फ्लावर सॉलिटरी और फेसिकल्ड, कैलिक्स अप टू 10 mm लॉन्ग इन फ्रूट, कोरोला येलो 2 to 2.5 सेंटीमीटर अक्रॉस, पेटल्स ओबोवेट, क्लॉ हेयरी अलॉन्ग मार्जिन 2 to 10 to 12 mm इन डायमीटर, एंड अमेरिकन 28 to 40 ऑब्ट्यूस अपेक्स एंड प्यूबेसेंट। ठीक है, तो दीज आर हैबिट एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एस्परजिन क्लोराइड्स सल्फेट्स एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप इसका देखेंगे तो उसके अंदर एस्परजिन है, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं एंड मैग्नीशियम। गुण इसके देखें तो रस इसका मधुर है, वीर्य इसका शीत है, गुण इसका स्निग्ध है और विपाक इसका मधुर है। रस इसका मधुर, वीर्य इसका शीत, गुण इसका स्निग्ध और विपाक इसका मधुर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। रोगनाशकता या रोगजनकता देखिए हम इसकी, तो ये बल्ले है, रसायन है। ठीक है, बल्ले देने वाला प्लांट है, इसका नाम ही बला है। ठीक है, या अतिबला है, रसायन है, वृक्ष है। ठीक है, प्रजास्थापन है, संग्राही है, रक्त पित्त के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नाड़ी बल्ले है, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको पावर देने वाला है, नाड़ी बल्ले है, रक्त पित्त शामक है ये, एंड शुक्रल है। ठीक है, शुक्रल है, शुक्र की मात्रा बढ़ाने वाला है, मूत्रल है, मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाला है, ज्वरग्न है, ज्वर की अवस्था शामक है, एंड ब्रंगण है। ठीक है, ब्रंगण और बल्ले दोनों ही इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या है, अतिबला। एंड हृदय है, हृदय को सपोर्ट करने वाला है। पार्ट यूज करें इसका तो मूल और बीज, कौन कौन से पार्ट आप इसका यूज कर सकते हैं, मूल और बीज। मात्रा, मात्रा इसका स्वरस 10 से 20 mm और चूर्ण इसका 3 से 6 ग्राम तक। स्वरस इसका 10 से 20 mm तक, चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक। ठीक है, और फॉर्मुलेशंस देखें इसके बाद में इसका, तो बला तेल एंड नारायण तेल। ठीक है, फॉर्मुलेशंस क्या है इसके, बला तेल और नारायण तेल। अगर आप इस अतिबला का यूज़ करना चाहते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है, तो उसको बला तेल मार्केट में मिल जाता है और नारायण तेल में भी बला का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दो प्लांट हमने आज देखे हैं। फर्स्ट इज अरगवद एंड सेकेंड इज अतिबला। ठीक है, तो इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं जल्दी से। अरगवद बॉटनिकल नेम इसका कैसिया फिस्टुला, फैमिली फैबेसी शिम्बिकुल। क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखें तो चरक ने इसको कुष्ठक में, कंडुग में, विरेचन के अंदर और तिक्त स्कंद के अंदर रखा है। सुश्रुत ने इसको अरगवद आदि, श्याम आदि और अधोगागर द्रव्यों के अंदर इसको रखा है। भावप्रकाश ने यहाँ मेंशन किया है अरगवद और राजवृक्ष, शंपाकर, चतुरंगुल, आर्वेतु, यादिगात, कृतमाल, सुवर्ण, कर्णिका कारो, दीर्घफल, स्वर्णांग, स्वर्णभूषण, आरगवदो, गुरु, स्वादु, शीतल, संस्रणोत्तम, ज्वर, हृदय रोग, पित्त, सा अस्त्र, वात, उदावट, शूलमु, तत्फलम, संस्रम, रिक्चम, कुष्ठपित्त, कफाकः, ज्वर ऋतु, सत्यतम, पथ्यम, कोष शुद्धि परम्परम। दिस इज द रेफरेंस ऑफ भाव प्रकाश। एंड इसके बाद इसके मोनोग्राफ के अंदर सबसे पहले इसके प्राणायाम का ही वर्णन है। आरगवद, राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, आर्वे, दीर्घफल एंड व्याधिघात, कृतमाल, स्वर्ण, कर्मिकाकार, स्वर्णांग, स्वर्णभूषण, आरोग्य चुंबी और ज्वरनाशक। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट देखें, इसका उत्पत्ति स्थान देखें, अप टू 4000 एंड हिली एरिया थ्रू आउट द इंडिया। हैबिटेट उत्पत्ति स्थान इसका 4000 फीट की ऊंचाई तक और हिली रीजन के अंदर होता है। हैबिट देखें इसका, ठीक है, स्वरूप देखें तो मीडियम साइज ट्री है ये। लीव्स इसकी 8 to 16 inches लॉन्ग है, 8 पेयर लीफलेट्स हैं इसके अंदर, कोरिशियस है, शाइनिंग अबाउट। फ्लावर्स इसके ब्राइट येलो, लॉन्ग एग्जिबिट पेडिकल्स, रेजिनस 1 to 2 feet लॉन्ग होते हैं। पॉड सिलेंड्रिकल है, 2 feet लॉन्ग है एंड अबाउट 1 inch इन डायमीटर। ठीक है, इसकी फली है लगभग 2 फिट लंबी होती है और उसकी गोलाई है, मोटाई है वो 1 inch की डायमीटर होती है। ट्रांसवर्सली डिवाइड इनटू न्यूमरस कंसीडर्ड सेल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सली ये डिवाइड होती है अलग अलग सेल्स के अंदर, उसमें एक एक सीड होता है। अब सीड है उसके चारों तरफ क्या होती है, ब्लैक कलर की पल्प वो रहती है, वो भरी हुई रहती है। प्रॉपर्टीज देखिए इसका, तो रस इसका मधुर है, गुण इसका गुरु, मधु और स्निग्ध है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। फार्माकोलॉजिकल लक्षण देखें तो मधुरेचन, ज्वरग्न, हृदय, रक्त पित्त शामक है, कुष्ठग्न है, अनुलोमन है,
शूथर है और दाह पशमन है, ठीक है। तो ये सारे फार्मेटरी लक्षण हैं, मधुरेचन है, ज्वरग्न है एंड हृदय है, रक्तपित्त शामक है, कोष्ठग्न है, अनुरोमन है और शोथ है और दाह प्रश्न है। थेरापेटिक यूजेज में अपने देखा कि एक मृदु रेचक होता है ये, तो अपने इसको बच्चों को, बूढ़ों को, प्रेगनेंट लेडीज को, सबको दे सकते हैं। इसके साथ ही जिनको फीवर है, ठीक है, या फिर मधुमेह के पेशेंट है, उनको भी लगजेटिव के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। डोजेस देखें, अगर आप इसको भी पल्प का आप यूज करना चाहते हैं तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में यूज कर लें, और इसका लगजेशन के रूप में या परगेशन के रूप में यूज करना पसंद 10 से 20 ग्राम की मात्रा में यूज करें, और मूल का क्वाथ बना के दे 50 से 100 ml देखें, और इसके पुष्पों का यूज करना चाहते हैं आप तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में यूज करें, ठीक है। लीव्स है एक्सटर्नली यूज होती है, कडुग्न होती है, ठीक है, तो पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं। फॉर्मुलेशन यूज करना अगर चाहते हैं आप तो अरगवदादी तेल, अरगवदादी लेव और अरगवदादी और रेस्ट, ठीक है, इसमें के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम अतिवला को देखते हैं, एबुटोला इंडिकम है, ठीक है, और मालवेसी फैमिली कारपास कुल से बिलोंग करती है। चरक ने इसको बल्ल्य में और भृंगण महाकोशिका के अंदर रखा है। हिंदी में इसको कंघी या काकतीय कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंडियन मेलो कहते हैं। अतिवला इस इंक्रीजेस बल, जो बल बढ़ाती है। ऋष्यप्रोक्ता ये वाइडली ग्रोज होती है, इसलिए इसे ऋष्यप्रोक्ता कहते हैं। काकतीय फ्रूट्स लाइक कॉम, वाटियापुष्पी हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हॉटर पार्ट ऑफ इंडिया एंड हैबिट पेरिनियल हर्ब अप टू 1.5 टॉल, स्टेलेट प्यूबेसेंट लीव्स अप टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉर्डेट एक्यूमिनेट, ठीक है, 7 to 9 लॉग, समटाइम्स 3 लॉग, सैरेट फ्लावर, सॉलिटरी और पैसिफल होते हैं, ठीक है। इसके गुण देखें तो रसगुण वीर विपाक में सबसे पहले रस इसका मधुर है, वीर इसका शीत है, गुण में स्निग्ध है और विपाक इसका मधुर है, ठीक है। रोगन कर्म का बल्य है, रसायन है, वृष्य है एंड प्रजा स्थापन है, संग्राही है और रक्तपित्त है, संग्राही नाड़ी बल्य और रक्तपित्त शामक, शुक्रल मूत्रल, ज्वरग्न है, भ्रंगण है और हृदय है, ठीक है। पार्ट यूज में इसका मूल और बीज, ये दोनों चीजें इसको यूज आती है। मात्रा इसकी स्वरस 10 से 20 ml तक, चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक, ठीक है। मात्रा इसकी अगर आप स्वरस यूज करना चाहते हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में यूज करें, चूर्ण इसका 3 to 6 ग्राम में यूज करें। फॉर्मुलेशन है इसका, बला तेल आप यूज कर सकते हैं एंड नारायण तेल इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही जो टॉपिक थे आपके आज के, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके, अगर भविष्य में आप इस तरह का कंपटीशन फाइट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इफ़ यू फील एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।